हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो ब्लॉग है मेरा, ऐसे ऐसे ब्लॉग तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरीके का जो वीडियो, आज का कंटेंट जो है मेरा, ये है किसी लोगों का मुंह बंद करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मैं बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, एक महीना होगा या फिर 20-25 दिन हुआ होगा, ऐसे एक महीना ही लेके चलते हैं। क्योंकि देखिए, आदमी किसी का भी घर में जो भी सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से आदमी वीडियो बनाता है। अभी क्या, मैं हर चीज़ें अभी वीडियो में से भी शेयर नहीं कर सकती, ठीक है? और अभी मैं शेयर कर दूंगी तो उसके लिए भी सब बोलने लगेंगे कि अरे ये क्या कर रही है, नहीं कर रही है, ठीक है? तो अभी हम जो भी कर रहे हैं उनसे इन लोगों का क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान जाने। कैमरा मेरा, चैनल मेरा, फोन मेरा, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई? उसको सांस तो लेने दे बे। कि हम जो भी पहले तो नहीं आते थे, पहले तो हम कौन थे, नहीं थे, ये लोग तो जानते भी नहीं थे, शायद हमको नहीं पता था कि उन लोगों को नहीं पता था कि हम बहू भी है इस घर के, कि क्या उन लोगों को पहचान तक नहीं पता था कि हम कौन है। और अभी जब धीरे धीरे जानने लगे हैं तो थोड़ा होता है ना कि चलो आज इसे ट्रोल करते हैं। ट्रोल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग तो शायद फ़ोन सिर्फ होगा हाथ में, कमेंट करने का भी हिम्मत नहीं है। अगर कमेंट कर देंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि कौन है ये लोग जो इतना इस खिलाफ, मेरे खिलाफ इतना बोलते हैं, ठीक है? तो अभी ठीक है, हम जो सिचुएशन है जिस हिसाब से, हम तो ऐसा नहीं है कि हर एक रूम का ऐसे कैप्चर करके फोटो चाहे या फिर वीडियो बना के डाल रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम उतने दिन तक रुके थे, वैसे दिल तो नहीं कर रहा था, मेरे पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, मेरा दिल तो नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन ऐसा हालत है कि मैं इधर भी ये रास्ता भी नहीं छोड़ सकती थी, और ये जो रास्ता है मेरा ये ख़त्म हो चुका है जो घर का मेरा मैटर है। लेकिन मैं अभी जिस पे मैं ध्यान दे रही थी, जिसमें मेरा फैमिली सपोर्ट है, सपोर्ट रहेगा हमेशा के लिए मेरा, बोले आप इन लोगों का जलन इतना होता है ना कि सपोर्ट कैसे कोई बहू को कर सकता है, इस टाइप का होता है, ठीक है? सपोर्ट क्यों कर रहा है भाई? तो यही चीज़ें हम सबको दिखा रहे, तो होता है ना अंदर से जलन, जलन होता है या फिर कोई चीज़ें लेकर के बाहर के आदमी को बहुत प्रॉब्लम है। अभी क्या, इन लोगों के कहने पर मुझे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, घर में बैठ के सिर्फ रोटी बना? अरे ठीक है भैया, हम तो यहाँ नाचने का तो वीडियो नहीं डाल रहे, ठीक है? हम तो काम का ही वीडियो डाल रहे थे ना, तो इससे क्या प्रॉब्लम है भाई आप लोग को? क्यों आपका फ़ोन छीन के मैं ऐसे बना रही हूँ कि लाइए थोड़ा सा हमको दीजिए, हमको कैमरा वीडियो बनाना है, वो यूट्यूब पर डालना है? क्यों, छोड़ देना चाहिए मुझे यूट्यूब? आप लोग के कहने से हम नहीं यूट्यूब चैनल खोले, ठीक है ना? हम अपने मर्जी से खोले हैं, और मेरा पूरा फैमिली सपोर्ट करता है, ठीक है ना? तो ये सब ना स्मार्टनेस, फिलहाल ये स्मार्टनेस नहीं कहेंगे, इसको बेवकूफ़ी बोलेंगे। क्योंकि दूसरे का पचड़े में टांग अड़ाना इन लोगों का जन्मों जन्मांतर तक का आदत होता है। हम जो भी वीडियो डाल, अरे अगर हम उस दिन का वीडियो डालते ना तो हम मान जाते, अगर आप लोग बोलते भी ये क्यों दुख का भी मजाक उड़ा रही, अगर उस दिन का वीडियो डालते तो हम मान जाते कि हाँ इसमें मेरा फॉल्ट है, हम लोग को दुख के टाइम का वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन सब चीज़ हो गया है, ठीक है ना? तो सब चीज होने के बाद का हम वीडियो बना रहे, ये भगवान क्या जुलूम है उसमें इन लोगों को प्रॉब्लम, भगवान मेरा तो सर दर्द हो जाएगा इन लोगों को सफाई देते देते। ये आखिरी वीडियो है मेरा, अब नहीं, अब हमको अगर फर्क भी पड़ेगा तो हम अंदर ही रखेंगे और हम वीडियो नहीं बनाएंगे इस चीज का लेकर। क्योंकि इन लोगों का फेमस करके क्या फायदा, हम क्यों इन लोगों को फेमस करेंगे? और अगर ऐसा रहा तो हम दोबारा ऐसा वीडियो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन इस बार नाम लेके बनाएंगे, ठीक है? ऐसे तो फेमस होने से रहे, लेकिन नाम लेकर के ही वीडियो बनाएंगे, चाहे जिसका भी जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका वीडियो तो बनेगा ही भैया, कि हम छोड़ने वाले से रहे। या तो मुंह सिल के रखो या फिर मुंह पे ताला मार लो कि इसके मैटर में नहीं बोलना है। हम जो कर रहे हैं, मेरे फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग खुद सामने से बोल रहे हैं कि तुम वीडियो अपलोड कर दो या वीडियो डाल दो, तुम ये रास्ते पे चलियो, तुम चलो, क्योंकि इस पर कोई हानि नहीं है। हम रास्ते पे नहीं जाकर के हम वीडियो बना रहे, हम अपना घर का रेगुलर रूटीन जो हम करते हैं हम वो चीज़ें का वीडियो डालते। लेकिन अभी जो फिलहाल परसों का वीडियो में इतना ये लोग का कमेंट, मतलब कि आ रहा है ना कान में, बोला जाता है, हमको सुनाई देता, हम ये चीज़ नहीं सुन सकते हैं। मतलब क्या हम बोले, हम ना, हमको गुस्सा आता है ना
इस टाइम पे अभी मेरा हालत कंडीशन इस घर का खराब हो गया है जब से मेरी सास चली गई है, और इन लोगों को अभी भी इस पे इस चीज पे, अरे भाई जो काम है वो आके करो, आओ ना सामने मेरे, जे भी बोल रहा है आओ मेरे सामने तब पता चलेगा। छोड़िए, इन लोग का नाम ले लेके मेरा दिन नहीं बिगाड़ना है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आइंदा ध्यान रहे, अगर मेरा वीडियो उस आदमी तक अगर गया है जो भी मेरे बारे में ऐसा बोलता है, ठीक है, तो सुन लो, अगर हिम्मत है तो सामने आके खड़ा होकर बोलो कि हाँ हमको तुमसे प्रॉब्लम है, ठीक है, तब ये फोटो शोटो सब डाल देंगे वीडियो पे, याद रखना हम पहचानते नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं गाइस। जो मेरा यूट्यूब फैमिली है उनसे कोई शिकायत नहीं है, लोग जो जैसा लगे वैसा करे, लेकिन जो सिस्टम है यूट्यूब का वो करे, लेकिन हमको यूट्यूब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन लोग से इतना प्रॉब्लम है कि क्या हम बोले। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।